स्नैक्स। कल के क्लास में आप कुछ कंट्री एंड कंटिनेंट के आधार पर जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स बने थे, फिर उनसे क्या सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन बनाए, फिर प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन बनाए और प्लूरल कलेक्टिव नाउन बनाए। तो आज की भी वीडियो जो है कल की वीडियो से रिलेटेड है। एक कल की जो वीडियो इतनी लंबी और होने जा रही थी तो उसे रोकने के लिए मैंने इसको थोड़ा कहा क्या कट कर दिया, अलग कर दिया। तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके नाम पर उत्पन्न प्रॉपर एडजेक्टिव्स सिटीजन का भी बोध होता है और वहाँ की लैंग्वेज का भी बोध होता है, दोनों का होता है। तो ये कल वाले वीडियो का समझ लीजिए कि अपवाद है, एक्सेप्शन है। उसमें फोर नेम्स हैं, जैसे आपका इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है, इसके बाद जर्मनी है। कल की लिस्ट में आप प्रतिनिधि देख लीजिए, हाँ जर्मनी है, उसके बाद आपका फ्रांस है, उसके बाद आपका ग्रीस है। ये जो है चार ऐसे देश हैं जिनसे उत्पन्न प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक ना, से वहाँ के नागरिक तथा वहाँ की भाषा दोनों का बोध होता है। खास बात ये है, तो इंग्लैंड से क्या हुआ, इंग्लिश हुआ, और जर्मनी से क्या हुआ, जर्मन हुआ, और फ्रांस से क्या हुआ, फ्रेंच हुआ, ठीक ना, और ग्रीस से क्या हुआ, ग्रीक हुआ, क्या हुआ, ग्रीक हुआ। तो कल की जो है चार्ट हमने दिया था उसमें सब दे दिया, ठीक ना। अब चलिए कल वाले में केवल इसकी चर्चा हुई थी, इनसे नागरिक का बोध होता है। इस चारों शब्द ही कल वाले चार्ट में हैं, उन उसी में से हमने निकाला चारों को। इसका मतलब ये क्या है, कल की वीडियो का अपवाद है। कल की वीडियो क्या है, अपवाद है। इनसे नागरिक का बोध तो होगा, साथ ही साथ लैंग्वेज का भी होगा। तो ये क्या करेंगे भैया, डिनोट्स सिटीजन, क्या है, डिनोट्स और सिटीजन एज वेल एज अ लैंग्वेज, ठीक ना। अब चलिए ये क्या है भैया, तो इस तरह से ये प्रॉपर देखिए, जब सिटीजन को व्यक्त करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या हो जाएंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएंगे, ओके। और जब लैंग्वेज को व्यक्त करेंगे तो क्या बन जाएंगे, प्रॉपर नाउन, क्या बन जाएंगे, प्रॉपर नाउन। ये खास बात है इसमें, प्रॉपर नाउन, यानी डबल फंक्शंस में है ये चारों देश के से उत्पन्न। पहली नजर में कल की वीडियो में क्या होंगे, क्या थे ये, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एडजेक्टिव बताया गया था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये चार जो शब्द हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ साथ प्रॉपर नाउन भी होते हैं। तो जब ये प्रॉपर एडजेक्टिव हैं, बताइए ये प्रॉपर एडजेक्टिव एडजेक्टिव होते हैं तो किसे प्रयोग करेंगे, बोलिए, सिटीजन को, इसको सिटीजन को,
तो किसे, यहाँ पर हम डिनोट्स लिख देते हैं, किसे डिनोट्स करेंगे? तब ये डिनोट्स करते हैं लैंग्वेज को। ठीक, अब चलिए खास बात इसमें, इस वीडियो में छोटी सी वीडियो, लेकिन कोई काम की वीडियो है। तो जब सिटीजन को नागरिकता मतलब नागरिक को व्यक्त करेंगे तो प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में इसका कभी भी आप प्रयोग प्रेडिकेटली नहीं कर सकते, नॉट यूज्ड, ठीक ना, प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेटिवली, यानी इसका जो प्रयोग है आप कभी भी प्रेडिकेटिवली नहीं कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। क्यों? जब स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग करेंगे तो ये लैंग्वेज को डिनोट करने लगेगा। इसको डिनोट करेगा, यानी जैसे ही गलती से आप प्रेडिकेटली यूज कर दिए, अर्थात प्रेडिकेट पार्ट। देखिए एडजेक्टिव का दो प्रकार से प्रयोग होता है, एट्रीब्यूटली, एट्रीब्यूटली में हमेशा नाउन के पहले आएगा, और प्रेडिकेटली में स्वतंत्र होता है, जब स्वतंत्र होता है तो हमेशा प्रेडिकेट पार्ट में जाता है। तो जैसे इसका प्रेडिकेट पार्ट में हम प्रयोग करेंगे तो यह लैंग्वेज को बताने लगेगा, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। देखिए एग्जाम्पल का हम आधार लेंगे कल के क्लास से, ठीक है ना। चलिए, कल की जो वीडियो में आपको लंबी लिस्ट दी गई थी उसमें से हम कोई शब्द ले रहे हैं, इंडियन ले लेते हैं। तो अब ही इज इंडियन लिख देते हैं। अब देखिए अगर हम ही इज इंडियन लेते हैं तो सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग हम प्रेडिकेटली कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से प्रेडिकेट पार्ट में कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, और मैनर को प्रेडिकेट का प्रेडिकेटिवली बोला जाता है। ये बातें हम आपको एडजेक्टिव की, जब एडजेक्टिव की वीडियो हमने शुरू किया था, दो ही बनाकर रुक गया है, तो क्या करें, यहाँ बनाए कि वहाँ बनाए, इतना टाइम होना चाहिए। जब हम एडजेक्टिव का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तो बता देंगे कि प्रेडिकेटली क्या होता है, एट्रीब्यूटली क्या होता है, ठीक ना। यानी दो प्रकार का प्रयोग होता है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव यूज में हमेशा नाउन के पूर्व होता है, ऐसी दिशा में सब्जेक्ट अथवा प्रेडिकेट दोनों पार्ट में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पूर्व नहीं होता है, इस तरह से हमेशा प्रेडिकेट पार्ट में होता है। तो इंडियन का हम जो प्रयोग कर दिए प्रेडिकेट पार्ट में, अरे ये आपका इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यह कोई लैंग्वेज तो है नहीं, तो जब लैंग्वेज नहीं है अतः वाक्य आपका क्या है, सही है। देखिए इस पैटर्न पर अगर हम लिख देते हैं काली, ही इज इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, ही इज इंग्लिश, तो आपने ही को क्या बना दिया, इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, अंग्रेज आदमी और अंग्रेजी भाषा, दो चीज हमने दिया है यहाँ पर, सिटीजन और लैंग्वेज। तो इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेज आदमी और अंग्रेजी भाषा, इसी तरह से जर्मन व्यक्ति और जर्मन भाषा, फ्रेंच व्यक्ति और नाजी यानी फ्रांसीसी व्यक्ति और फ्रांसीसी भाषा, और यहाँ पर ग्रीक यानी यूनानी व्यक्ति या यूनानी भाषा, ठीक ना। तो दोनों को व्यक्त करता है, तो अब यहाँ पर हम इंडियन का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों को तो नहीं व्यक्त करता है, तो सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ जब दोनों को व्यक्त कर रहा है तो ये हो गया सेंटेंस रॉन्ग। ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये व्यक्त करने लगा लैंग्वेज के, तो ही एक पर्सन होता है, कोई लैंग्वेज नहीं होता है। अब इसको जो सही करने का तरीका है, इसको एट्रीब्यूटली यूज कर दीजिए, तो कैसे होगा ये देखिए। एट्रीब्यूटली का मतलब ये, इसका प्रयोग आप किसी नाउन के पूर्व कर दीजिए, तो इसमें हम मैन लगा देते हैं, यानी ही इज आई का इंग्लिश
मैं। अब इस बार जो हम मैं को अलग अलग साथ में नहीं जोड़ेंगे, कल के जो है चार्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर मैं हम जोड़ दिए थे, तो मैं जब आप एक साथ कर दोगे तो सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन बन जाएगा, और जैसे मैं को आप अलग लिखते हो तो ये है हमारा नाउन और ये है हमारा एडजेक्टिव यानी प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यहाँ अगर हम केवल एडजेक्टिव की बात करेंगे तो आप क्या समझेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव ही समझेंगे। तो ये भी क्या है भैया, एडजेक्टिव है, तो ही के लिए आप नहीं लगाएंगे। अब ये एडजेक्टिव है कि लैंग्वेज है, आपने क्या किया एडजेक्टिव नाउन बना करके इसे क्या बना दिया, लैंग्वेज बना दिया यानी प्रॉपर नाउन बना दिया। क्या बना दिया, क्योंकि ही है ये पर्सन है, तो पर्सन के लिए आपने क्या किया यहाँ प्रॉपर नाउन के रूप में यूज कर दिया, सेट है, तो यानी लैंग्वेज बना दिया। तो ही लैंग्वेज नहीं हो सकता है, ही क्या है कोई व्यक्ति है, तो हमने क्या किया मैं का प्रयोग कर दिया, सेंटेंस क्या हो गया सही हो गया। ठीक, अब चलिए अगर इसे आप इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ही के स्थान पर, यहाँ पर ही के स्थान पर हम क्या कर देते हैं भाई, ये लैंग्वेज है यानी प्रॉपर नाउन है, तो इसको सही करने का तरीका ये है कि ही को हम दिस में बदल लेते हैं, क्या करते हैं दिस में बदल लेते हैं, दिस इज इंग्लिश, क्या कर देते हैं दिस इज इंग्लिश। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब यहाँ पर हम ही कोई, अरे दिस कोई पर्सन नहीं है, तो ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है भैया, प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रॉपर नाउन है इट मीन्स लैंग्वेज है, और प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स सिटीजन है, सीधा सीधा नागरिक है। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर नाउन बना दिया, अर्थात क्या बना दिया लैंग्वेज बना दिया, क्या लगाकर ही की जगह दिस लगाकर, तो ये सेंटेंस सही हो गया। अब यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है हमारा इंग्लिश का अट्रीब्यूटरी हुआ है, तो इन चारों शब्दों का प्रयोग हमेशा आप अट्रीब्यूटरी करेंगे, यानी आप हमेशा जब भी प्रयोग करना है तो क्या करेंगे आप, ही इज का आ, ये देखिए फ्रेंच मैन लिखेंगे, ठीक। अब इसका प्लूरल करना है तो आप क्या कर देंगे, दे आर क्या कर देंगे, हाँ सॉरी दे आर, हाँ देखिएगा कैपिटल हमेशा लिखना है स्मॉल नहीं, तो यहाँ क्या कर देंगे दे आर फ्रेंच मैन कर देंगे, ठीक। तो एट्रीब्यूटरी, अब देखिए इंडियन वाले को भी एट्रीब्यूटरी लिख सकते हैं, ही इज इंडियन, अब ही इज एन इंडियन मैन, क्योंकि ये क्या है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एडजेक्टिव है, और ये क्या है लैंग्वेज तथा एडजेक्टिव दोनों है, इसका प्रयोग जब भी करेंगे एट्रीब्यूटरी करेंगे अर्थात नाउन के पूर्व करेंगे, एट्रीब्यूटरी का मतलब नाउन के पूर्व करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर देते हैं, छोटी वीडियो कोई बात नहीं आपको क्या होगा फायदा हो जाएगा। अगर हम यूज ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव की बात, अरे यहाँ पर किसी भी एडजेक्टिव की बात करेंगे तो दो इसका प्रयोग के तरीके होते हैं, अरे दो तरीके से टू टाइप्स, अरे दो तरीके से क्या होता है एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो जो पहला जो प्रयोग होता है, पहला प्रयोग हमारा होता है का अट्रीब्यूटिव होता है, अट्रीब्यूटिवली होता है, ये प्रयोग करने का तरीका है अर्थात मैनर है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, और
यूज बोला जाता है। और दूसरा जो तरीका है प्रेडिकेटिवली होता है, क्या होता है प्रेडिकेटिवली होता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं, क्या कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। तो एडजेक्टिव का भी चैप्टर अगर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ भी धमाकेदार एंट्री होगी मेरी, तो आपको भैया इंतज़ार करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि दिन भर हम यूट्यूब पर वीडियो ही बनाते रहें तो ये हमारे पास का नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, एक दिन में एक ही हम बना सकते हैं और आपको उपलब्ध करा सकते हैं। अब चलिए, तो एट्रिब्यूटिवली में एट्रिब्यूटिव जो यूज होता है इसमें इसका जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग क्या आए एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज यूज्ड, क्या होता है इज ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज बिफोर और नाउ। तो केवल ये नाउन के पहले ही होता है, इसका मतलब ये हुआ कि नाउन को ही ये क्वालिफाई करेगा, इस तरह से क्या है बोले नाउन को ही केवल क्वालिफाई करेगा, प्रोनाउन को नहीं कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इसका प्रयोग हम हमेशा जो है नाउन के पहले ही कर सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा, एंड इसमें हम जोड़ दे रहे हैं एंड यूज इन, ठीक ना, यूज इन सब्जेक्ट सब्जेक्ट एज वेल एज प्रेडिकेट, ठीक ना, एज वेल एज क्या प्रेडिकेट, अभी दोनों पार्ट में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रयोग होता है कहाँ, ध्यान दीजिएगा, यूज्ड एब्सोल्युटली 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 इन प्रेडिकेट पार्ट, इसका प्रयोग आप सब्जेक्ट पार्ट में नहीं कर सकते हैं, ओके? तो प्रेडिकेट पार्ट में हमेशा होगा, जब प्रेडिकेट पार्ट में इसका प्रयोग होगा तो ये दोनों को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। अब देखिए इट ऑलवेज, इट किसके लिए लगा रहा है, इसमें प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव के लिए, इसके लिए प्रयुक्त ऑब्जेक्टिव के लिए या इस प्रयोग के लिए, ठीक ना। तो इट ऑलवेज क्या जी, यहाँ पर हम एडजेक्टिव ही मान कर चले जो इसमें एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है, एन एडजेक्टिव दिखाओ, इट ऑलवेज क्वालिफाइड और नाउन, केवल ये नाउन को ही क्वालिफाइज करेगा प्रोनाउन को नहीं। और यहाँ क्या है इट क्वालिफाइज और नाउन एज वेल एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्वालिफाई दोनों को करेगा यहाँ पर। तो अब देखिए एग्जाम्पल हम दे देते हैं, अब एग्जाम्पल में देखिए हम कहते हैं कि ही इज क्या इंडियन, ऊपर हम दिए थे रिपीट कर दे रहे हैं क्या है इंडियन, देख रहे हैं ना, तो ये गलत हो गया, ये प्रयोग ये सेंटेंस कहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, यहाँ सेंटेंस कहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को ले आते हैं, यानी ही इज क्या नहीं इंडियन, ये सही हो गया, ठीक। तो इस प्रयोग में ये सही हो गया, अब इसको सही करने का इस प्रयोग में
ठीक ना। इसमें हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे और मैन सब जोड़ देंगे। देखिए ही इज एन इंडियन मैन, अब ये सही हो गया और ये यहाँ पर सही तो है। तो यहाँ पर इंडियन किसको, ही प्रोनाउन को क्वालिफाइज कर रहा। अब ही की जगह अगर हम मोहन लिख देते हैं, देखिए मोहन इज इंडिया, मोहन इज इंडिया, तो मोहन क्या हो गया नाउन, यानी मोहन ना, मोहन क्या हो गया नाउन, यानी इंडियन क्या करने लगा, मोहन को क्वालिफाइज करने लगा, यहाँ पर ही को कर रहा है, क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या है, देखिए ही इज एन इंडियन, आपका क्या है ये एडजेक्टिव, ओके प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर इस रूल में कोई भी एडजेक्टिव आएगा, हम प्रॉपर एडजेक्टिव का भी वीडियो बनाए, इसको एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसका हम सब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं, क्या एन इंडियन, ठीक ना, फार्मर, जैसा कि कल हम दे चुके हैं, तो एन इंडियन फार्मर इज क्या हार्ड वर्किंग। ये देखिए तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट पार्ट भी यूज कर दिया, और ये आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है सब्जेक्ट, और इधर क्या है प्रेडिकेट, और यहाँ पर ये पोर्शन क्या है भैया प्रेडिकेट, और ये क्या है प्रेडिकेट। बाकी चीजें आपको एडजेक्टिव के चैप्टर में मिलेंगी। तो क्या जी, धैर्य के लिए धन्यवाद।